नहीं नहीं जी जी पक्का होंगे क्योंकि हमारे देश की जनता ऐसी जब खिलौने वाले पे ध्यान दे सकती है, एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है, तो भाई करण जी को तो कुछ भी बना सकती है। जल्दी करण के साथ में आऊंगा, हाँ शो में आप लोग जरा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। देवी नहीं बेवा, नाम तो सुना होगा। अवधेश दुबे कितनों को ले डूबे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेल्स एंड फीमेल्स एंड अदर, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आपकी दिल की धड़कने और सांसें रुकी होंगे कि ये बंदा आज लाइव में क्या कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भाई साहब जनता की इतनी भारी डिमांड है कि स्वागत कीजिए उस खास मेहमान का जिन्होंने ट्रेन में अपने वीडियो से और अपने डायलॉग से पूरे इंडिया में मचाया है तहलका। जी हाँ, स्वागत कीजिए उस खास मेहमान का जिन्होंने गुजरात से लेके मुंबई और मुंबई से लेके पूरे भारत में अपने डायलॉग और अपनी मिमिक्री से पूरी दुनिया को हिला दिया। जी हाँ, अभी अभी वायरल हुए हमारे परम मित्र और भाई कह लीजिए अवधेश दुबे जी का। जी हाँ दोस्तों, आज मैं मुलाकात करने जा रहा हूँ अवधेश दुबे जी का, जो कि DRM ऑफिस आए हुए हैं, और इस वक्त मैं भी DRM ऑफिस के पार्किंग में खड़ा हूँ, और वो इतनी दूर से हमसे मिलने और DRM ऑफिस में जो मेन अधिकारी है उनसे मिलने के लिए आए हैं। स्वागत करते हैं अवधेश दुबे जी का। नमस्कार। जी जी नमस्कार, बस बीत रहा है भाई, चल रहा है। ये हमारे साथ में आए हैं DRM ऑफिस मुंबई में, जो कि मुलाकात कर रहे थे किसी अधिकारी से और हमसे भी मुलाकात हो गई, तो हमने सोचा अपने बड़े भाई से मिले थे क्योंकि ये हमारे खास भी हैं और हमारे गांव से भी हैं। तो बताइए आप, कैसा लगा आपको मुंबई आके? मुंबई बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी हुई कि मैं करण जी से मिला, और करण जी से मिलने की मेरी काफ़ी ख्वाहिश थी, हमारी चैटिंग हो रही थी मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन आज भगवान का शुक्र हुआ कि करण जी से मुलाकात हुई। ये भी काफ़ी अच्छे मिमिक्री मैन है, काफ़ी अच्छा कॉमेडी कर लेते हैं, तो शायद हम लोग मिल करके आगे चल के आप लोग को और भी मनोरंजन देते रहेंगे। बस आप लोग का आशीर्वाद और प्यार हमारे दोनों के ऊपर बना रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे गांव से भी बिलोंग करते, क्योंकि हमारे बहुत ही करीब में एक गाँव है, वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये कि हमारे ये खास हो गए और हमारे बड़े भाई जैसे हैं, तो हमने सोचा अब इतने फेमस हो गए तो इनसे थोड़ा मुलाकात कर लिया जाए। और आप लोगों का आशीर्वाद था, और हमारे साथ में हमारे मनीष भैया जो कि हमारे भाई लगते हैं और बिल्कुल गांव से हैं, मतलब बगल से सटे हुए हैं, और ये भी साथ में आए थे DRM ऑफिस। कैसे हैं आप, कैसा लगा मुंबई? एकदम बढ़िया लगा, मुंबई तो दिल का धड़कन है भाई साहब। मजा आया कि नहीं आया? एकदम मित्रों में मैं चाहता हूं कि करण जी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छी वीडियो बनाते हैं वो, और आप लोग का आशीर्वाद और प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए, क्योंकि जनता जनार्दन ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारे घर की रोजी रोटी आप लोगों की वजह से चलती है, हम इतना जानते हैं, और आप लोग का आशीर्वाद चाहिए हमें। अब आशीर्वाद आप देते रहो, देखो हम लोग करण अर्जुन का पार्ट 2 भी बना देंगे। इनसे मुलाकात हुई हमारी, काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके, क्योंकि बड़े भाई हैं तो फिर कुछ कहना ही नहीं कि और कुछ बताएं, तारीफ करें। और दूसरी बात, हम लोगों ने सोचा है कि हो सकता है हम दोनों फिर से हमारे नए शो फन की बात करण के साथ में कुछ कॉमेडी वाले कुछ चीज़ें और कुछ हंसी वाली चीज़ें लेके आए, जिससे आपके दांत दिखाई दे। जल्द 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 हम लोग कुछ नया शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमें चाहिए आपका साथ, और हमेशा हमारा साथ देते रहिएगा। लाइक कमेंट शेयर, ये तो हम हमेशा कहेंगे, इसकी आदत पड़ चुकी है। और जी जी जी, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू। जल्दी करण के साथ में आऊंगा, हाँ शो में आप लोग जरा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। देवी नहीं बेवा, नाम तो सुना होगा। अवधेश दुबे कितनों को ले डूबे। नाम तो सुना ही नहीं होगा, अभी सुना होगा नाम। नहीं, अभी जब से मैं इनके साथ में आया हूँ, इट मीन जब से खड़ा हूँ, देख रहा हूँ, कोई ऐसा बंदा नहीं है रेलवे का जो इनको ना जानता हो। अब बड़े बड़े अधिकारी हिल चुके हैं, अरे अच्छा आप ही अवधेश दुबे, आप ही अवधेश दुबे। अब मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा भाई सेलिब्रिटी हो चुका है, बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे मिलके। जी, जी जी जी। अब आगे भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ बने रहें, और ये तो फेमस पहले से ही हैं कॉमेडियन, एज अ मिमिक्री जो भी करते हैं, छोटे छोटे डायलॉग से पूरी दुनिया को हिला दिया, और हमें काफ़ी गर्व महसूस होता है कि हमारे बड़े भाई हैं। चलिए फिर से हम कोशिश करेंगे कुछ और नया लाएं आपके साथ में। मित्रों मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं चाहता हूं ऐसे ही पूरे देश की जनता सरकार पे हाथ बनाए रहे, और हमारे ऊपर भी, जैसे ये मोदी सरकार बार बार, वैसे अवधेश दुबे करण बार बार, आप लोग के आशीर्वाद से हर बार करण और अवधेश ऐसा आशीर्वाद करिए हमारा आगे बढ़े चैनल। करण और अर्जुन, नाम तो सुना ही है पहले से ही, हो सकता है एक नई जोड़ी है जिसका नाम हो करण और अर्जुन, ठीक है। और अभी आप बहुत देर से यहाँ पे आए हैं? हाँ हाँ, पिछले 2 बजे से ही मैं यहाँ हूँ। काफी लोगों से मुलाकात की आपने? जी जी जी।
और अभी लगता है कि आप हो सकता है कुछ और भी चीज़ें सोच रहे हैं, यहाँ के लोग हैं, मतलब अभी अवधेश भैया आए हैं यहाँ पे, तो ये कुछ और भी चीज़ें सोच रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए या जो भी इनके वेंडर लोग हैं, तो हो सकता है कुछ और अच्छा हो सके इनके साथ में। जी जी, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे भाई बंधु वेंडर लोग हैं फेरी करने वाले या हमारे साथ घूमने वाले, मैं उनके लिए चाहता हूँ कि उनको सरकार मदद में आगे आए और कुछ हमारे लिए नया सोचे, क्योंकि हम पिछले 15-20 सालों से कर रहे हैं, हमारे लिए आज तक कोई सरकार सोची नहीं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मोदी सरकार हमारे लिए पक्का है सोचेगी और सोचती रहेंगी, क्योंकि गरीब की चिंता सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी को ही होती है। माननीय श्री पीयूष गोयल जी भी हैं जो हमारे बारे में काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं और शायद आगे रिजल्ट अच्छा आएगा, और जैसे रिजल्ट आएगा मैं एक बार फिर से लाइव आऊँगा आप लोग को कि भाई खुशखबरी है, हमारे लिए रिजल्ट अच्छा है। नहीं, एक्चुअली बात यह है कि अवधेश भैया इन सब टॉपिक पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज तक 15 सालों से अभी तक किसी ने वेंडर के लिए कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी है, ना कोई कानून और नियम बनाया गया, तो इसीलिए इन्होंने छोटी सी बात की, हो सकता है अगर वो अच्छा हो जाए तो फिर आगे और बड़ा भी चांस हो सकता है आप सभी वेंडरों के लिए। जी जी, एक नया न्यूज़ आप लोग अपना आशीर्वाद और कमेंट बॉक्स में लिखो कि भाई अवधेश जी को इंसाफ मिलना चाहिए, जिस भी मांग कर रहे हैं सरकार हमें इंसाफ दे। अगर BMW मांगे वो भी मिलना चाहिए। नहीं नहीं, हम तो साइकिल अब चल देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, पर BMW आएगी तो भाई वो तो जानते ही, अच्छे अच्छे की नीयत फिसल जाती है। मैं तो अवधेश दुबे हूँ। अवधेश जी, भैया आपसे एक बात पूछना था। अभी जिस प्रकार से आपका वीडियो वायरल हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि आप जैसे पहले जिंदगी जीते थे आपकी जिंदगी में कुछ तो फर्क पड़ा है। फर्क ये हुआ है कि अभी जो है पब्लिक लोग का काफी सारा प्यार मिल रहा है, लोग कहीं भी देख के सेल्फी कर रहे हैं और वीडियो उतार रहे हैं हमारा, तो काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे देखते उनको लग रहा है कि शायद कहीं मुझे एक सेलिब्रिटी मिल गया है। मैं पानी पूरी खा रहा हूँ, चाट खा रहा हूँ या ऐसे घूम रहा हूँ, तो 10-20 लोग ऐसे मिल ही जा रहे हैं रास्ते में कि अवधेश जी एक सेल्फी करना। तो बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहो कि अवधेश जी आप लोग को सेल्फी देते रहे जिंदगी भर। अच्छा, इस आपकी इस बात से हमें भी कुछ प्रेरणा मिलता है कि जैसे हम जैसे यूट्यूबर्स हैं तो हम लोग भी कॉमेडी करते, तो हमें भी लगता है जैसे आप वायरल हो गए, हो सकता है एक ना दिन हम लोग भी वायरल। जी जी, पक्का होंगे क्योंकि हमारे देश की जनता ऐसी जब खिलौने वाले पे ध्यान दे सकती है, एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है, तो भाई करण जी को तो कुछ भी बना सकती है। नहीं, अच्छी बात है। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। और एक बात पूछनी थी आपसे, इट मीन्स आपका वीडियो तो काफ़ी वायरल हुआ, आपका वीडियो देखा, हमारे कुछ फ्रेंड लोग भी मिल गए मुंबई सेंट्रल में हमारे फ्रेंड मिल गए, ये सब और सब अच्छे लड़के हैं भाई, अपनी उम्र समय के मस्ती मूड में है सब। और जो है देखिए, अभी यहाँ भी फैन फॉलोइंग चालू है भाई लोग का, इससे आशीर्वाद बना रहे आप लोग का कि हम बहुत आगे जाएं और आप लोग का आशीर्वाद साथ में रहे। अच्छा अवधेश जी, आपका जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी वजह से आपका गांव का क्या माहौल है, कुछ बताएंगे? गांव का माहौल काफ़ी, सारे फोन आ रहे हैं मुझे कि भाई आप तो काफ़ी फेमस हो गए एक बार आके। आज मैंने मुलाकात की वायरल बॉय अवधेश दुबे जी से, और हाँ, हमने मुलाकात में कुछ बातें भी की, और हो सकता है कि हमारे नए शो फन की बात करण के साथ में मैं कुछ और वीडियोस लाऊं जिसमें हमारे साथ होंगे अवधेश दुबे जी। जी हाँ, अपने कॉमेडी से अपना परचम फैलाने वाले और हाँ, पूरे इंडिया में ही फेमस होने वाले, केवल अपने छोटे से वीडियो, छोटे छोटे डायलॉग की वजह से पूरे इंडिया में फेमस होने वाले अवधेश दुबे जी के साथ हम कुछ दिनों में कुछ नए वीडियोस जल्द ही लेकर आ रहे हैं, जो कि जबरदस्त कॉमेडी और हंसी से भरे होंगे। जी हाँ, थैंक यू।